वेलकम बैक बच्चों, जेई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंस के वेक्टर के पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। कुछ और पीवाईक्यूज़ हैं जो इसी साल आए हैं, उसको भी देख लेते हैं। बड़े ही आसान होते हैं मेंस के क्वेश्चन। इसको स्टार्टर के रूप में सॉल्व कीजिए, एपेटाइज़र के रूप में, जो हम लोग मेन कोर्स से पहले ऑर्डर करते हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हो। जिस दिन आपको टीचर कोई चैप्टर पढ़ाए, आप उस दिन पढ़े वहाँ पे, और आप सीधा आके जेई मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व किए। ये उस लेवल के पीवाईक्यूज़ हैं जो आते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी वेक्टर मेक्स एंगल कॉस इनवर्स 5/9 विथ ईच अदर, देन मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी, फॉर मॉड ए इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ मॉड बी, देन इंटीजर वैल्यू ऑफ एन इज क्या होगा, ठीक है। यानी दो वेक्टर है, ठीक है, ए और बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू ये दी हुई है। थीटा इज़ नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ 5/9, ठीक है। और दिया हुआ है जो ए प्लस बी वेक्टर का मॉड है, यानी ये ए प्लस बी है, ठीक है। और ए माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा फिर, ये वाला ए माइनस बी का लेंथ ये वाला, यानी ये दोनों डायगोनल है बेसिकली। ये वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल ए माइनस बी है, ठीक है। ये तो आप पढ़ के आ चुके हो। ये आपका है ए प्लस बी और ये वाला है ए माइनस बी। ये ऊपर वाला मैं बिठा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये तो आपका ए ही है, समझ आ रहा है। तो इस दोनों के मॉड के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी अगर ये ऐसा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला लगा देना है। मॉड ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। ये होता है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही होता है। और मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab ऑफ कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, ये ट्रायंगल के कोसाइन फार्मूले से आ रहा है। ये इसका डेरिवेशन भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये आपको पता ही है कैसे आता है, एक ट्रायंगल के कोसाइन फार्मूला से आता है कि अगर ये लेंथ ए है, ये बी है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला साइड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ दिस थीटा। उसी की मदद से ये निकल जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2i ऑफ ab कॉस थीटा, ये होगा ए माइनस बी, और ये वाला का एंगल जो है ये 180 माइनस थीटा है। तो कॉस 180 माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मैंने फार्मूला भी ड्राइव करके बता दिया। अगर कोसाइन फार्मूला याद है तो आपको ये फार्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, ये एक्सपीरियंस से आएगा ये सारी चीज़ें, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब दिया हुआ है मॉड ऑफ ए प्लस बी रूट टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी है, यानी ये वाली चीज़ स्क्वायर करें तो दिस इज़ इक्वल्स टू 2 times ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये इसके ट्वाइस के इक्वल है। ये सब हटा दो आप, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, है ना। अब कुछ नहीं, इसको सिंपल सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab में से यहाँ आके ये क्या हो गया 6ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। कॉस ऑफ थीटा आपको पता है क्या है, 5/9 है। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 5/9, ये हो गया 3 3 9, 3 2 6, 5 2 10, ये हो गया 3a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 10ab इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहीं पे मिटा के लिख दूँ अच्छा रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन अपने को आ गया है 3a² प्लस 3b² माइनस 10ab इक्वल्स टू 0, याद रहेगा बच्चों, याद रखिए, इतना तो याद रखना पड़ता है। क्या आया था, 3a² प्लस 3b² माइनस 10ab इक्वल्स टू 0। अब a इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ b है, तो आप यहाँ पे सीधा पुट कर दो 3n² b² प्लस 3b² माइनस 10n b² इज इक्वल्स टू 0। b² कॉमन लेके 0 कर दो, तो आपका बचेगा क्या, और सब कुछ को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 3n² माइनस 10n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो तो n की वैल्यू आ जाएगी
देखिए ये आप करोगे तो आएगा 3n-1 और ये n-3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो n की वैल्यू एक आ रही है 1/3, एक आ रही है 3, लेकिन यहाँ इंटीजर वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, तो यानी ये वाला अपन नेगलेक्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं था। मैं बताऊँ सच सच तो ये मेंस के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, इतना भी नहीं मेहनत करवाता है मेंस, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया मेंस का, देख लो ऐसा होता है मेंस का अच्छा क्वेश्चन फिजिक्स में। मैथ्स का स्टैंडर्ड ठीक है मेंस का, फिजिक्स का स्टैंडर्ड बहुत लो है, और केमिस्ट्री पे मैं गया नहीं हूँ। ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि थ्री वेक्टर्स ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर इच ऑफ मैग्नीट्यूड ए आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। तीन वेक्टर है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, जो इस तरह से काम कर रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वैसे भी सर्किल का रेडियस है तो मैग्नीट्यूड तीनों का सेम ही होगा, वैल्यू दी हुई है ए। द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर इज ए रूट एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इस तीनों का रिजल्टेंट जो है वो ए रूट एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान होने वाला है ये क्वेश्चन, फील आ रही है। इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके होंगे, है ना, चाहे जैसे भी बना लो। तो मैं देखिए इसको कैसे बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, ये ए है, ये ए है, इस दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आएगा, है ना, और इसकी वैल्यू होगी क्या, ए कॉस 45, 2a cos 45, यानी √2a, है ना, तो यानी बड़ा आ जाएगा इस दोनों का रिजल्टेंट, इससे बाहर ये होगा रिजल्टेंट ओ पी और ओ क्यू का, फिर इसका रिजल्टेंट लेंगे ओ आर से, है ना, ओ पी, और मैं बना देता हूँ यहाँ पे फिगर बना देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छा लगे। ये ओ था, ये पी था, ये क्यू था, ठीक है, इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा इसके एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल बाइसेक्टर पे आता था, ये 90 है तो ये 45 होगा, और क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए cos 45, cos 45 1/√2 कट जाएगा, तो √2a हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, वैसे भी अगर देखो तो ये 90 है, 90 पे है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2a² का अंडर रूट √2a, है ना, यही होगा इसका रिजल्टेंट, और ये इधर आएगा, ठीक है, ये इसको यहाँ पे आप पैरेलली शिफ्ट कर दो, ये भी आपका ओ क्यू वैक्टर है और ये 90 डिग्री होगा, तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब इसी के परपेंडिकुलर आपका देखिए ओ आर वैक्टर है ना, ओ आर वैक्टर इससे 45 बना रहा था और ये भी 45 है, तो जो रिजल्टेंट अपना आया है ये उससे 90 डिग्री पे है, तो अब इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री होता है तो उसका रिजल्टेंट कुछ नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये √2a का होल स्क्वायर एंड 2a² हो गया, यानी ए बाहर आ गया और ये √3 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 3। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, √3, 3 होगा आंसर। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहो तो इसको बेसिकली यहाँ शिफ्ट करोगे √2a को, और ये यहाँ पे ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस इतना ही करना था, पिछले वाले से आसान था ये क्वेश्चन, तो आज के लिए बस यही दो क्वेश्चन रहने देते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं जेईई मेंस 2024 के वेक्टर्स के, वो अगले लेक्चर में डील कर लेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, प्लीज़ शेयर करें इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लग रहा है और क्या चाहिए आप लोगों को, और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।